हेलो व्हाट्सएप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने पहले एक ये बनाया था नया बार। अगर आपको ने वो वाली वीडियो देखी है, ये उसी का पार्ट टू होने जा रहा है। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। इस पार्ट में मैं बेसिकली करूँगा क्या कि जो वो वाली नया बार थी ना, उस नया बार को मैं क्या करूँगा, इस बात को कॉपी कर लेते हैं, उस नया बार में मैं डार्क मोड को ऐड कर दूँगा। तो बेसिकली थोड़ा बहुत ही कोड होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। इतना टाइम मेरे को खास लगेगा नहीं। कोई खोलते हैं हम लोग, खुल रहा कोड। चलो तब तक हम लोग इसे कॉपी करते हैं यहाँ से। थोड़ा सा ना वो रखना चाहिए कोड को ऑप्टिमाइज, जो कि मैंने पिछली वाली वीडियो में नहीं रखा था, तो इस वाली वीडियो में रखेंगे हम लोग। इसे बंद करेंगे और इसे भी डिलीट करेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और ये खुल गया, इस पर क्लिक कर देंगे। मे भी नॉट रिस्पॉन्ड कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, रिस्पॉन्ड कर देगा, कर गया। कंट्रोल वी करके इसे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम अपना index.js में कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तब तक हम इसे भी लिंक कर देते हैं। लिंक css हो गई, लिंक css। बाय द वे मैंने पहले ही बताया कि ये emmet की फंक्शनलिटी पूरी, ये emmet की फंक्शनलिटी है। तो ये emmet जो है वो बहुत हेल्प करता है कोड करते समय। src लिखा और ये बन गया। अभी यहाँ पे क्लिक करूँगा index.js, सिंपल index.js, उसका पास देना था सिंपल, दे दिया। अब ये दोनों तीनों आपस में लिंक हो चुके हैं। कंट्रोल ए दबाया और इसे क्रॉस किया। windows+v, बाई द वे windows+v दबाइएगा अपना इसके लिए, क्लिपबोर्ड के लिए, आपका क्लिपबोर्ड खुल जाएगा windows+v दबाने से। windows+v दबाया और ये नीचे पाथ पड़ा, इसे एंटर मार दिया और इस पर दोबारा एंटर मार दिया, तो ये गुड नेबर डिज़ाइन कोड एंड मैन खुल जाएगा। पहले तो मैं टाइटल चेंज करता हूँ, गुड नेबर डिज़ाइन पार्ट टू। चल सेकेंड पार्ट है ना, तो मैंने ये वाला पाथ रख दिया। तो हमारा बेसिकली ये हाल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, मैं क्या यूज़ करने जा रहा हूँ, मैं एक यूज़ करने जा रहा हूँ बटन btn लिख दिया, button.btn। यहाँ पे लिखूँगा क्या, emmet के यूज़ से मैंने बटन बना लिया। अब यहाँ पे लिखूँगा डार्क मोड और इस पर एक लिसनर ऐड कर दूंगा ऑन, नहीं वो जावास्क्रिप्ट में ही हम लोग ऐड कर लेंगे इस पर। इसे क्लास की जगह ना आईडी देनी चाहिए थी मेरे को, आईडी देता हूँ इसे btn नाम की आईडी। ये अभी क्या लग रहा है, ये अभी लगेगा, रिलोड कर दिया, अभी ये शो करेगा यहाँ पे। रिलोड कर दिया, अभी हम क्या करेंगे, ये ऐसा लग रहा है अभी, ये डार्क मोड। पहले लॉजिक लिखेंगे, बाद में आप स्टाइल करते रहना जैसा करेंगे। मैं तो आपको लॉजिक लिखाने के लिए हुआ हूँ, मतलब यहाँ पे आया हूँ, तो मैं लॉजिक लिखाता हूँ अभी। तो बटन इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी btn, btn ही है ना, हाँ। यहाँ पे पीछे सेमी कॉलन, बटन डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक। तो ये लिख के आ रहा है कि इस ये एड इवेंट लिसनर के क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मतलब कि क्या क्या वो लेता है। तो उसके बाद लिसनर देता है, पहले तो टाइप लिसनर की टाइप, उसके बाद लिसनर या फिर कॉल बैक फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, इसे कॉल बैक फंक्शन दे देंगे, ऐसे करके कॉल बैक फंक्शन दे दिया।
अभी इसके अंदर हम वो कोड लिख रहे हैं जो इसे क्लिक करने के बाद होना चाहिए, इसे क्लिक करने के बाद होना चाहिए। तो हम क्या कर चाहेंगे कि ये इसका बैग वो स्टाइलिंग बाद में करेंगे। चलो तो जो एक और वेरिएबल बना लेते हैं क्योंकि मुझे एक और वेरिएबल की ज़रूरत है ना। बार इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है ना बार। अभी हम क्या करेंगे नैव टैग को नैव बार नाम की आईडी दे आएंगे। आईडी इज इक्वल्स टू नैव बार, ठीक है। यहाँ पे आईडी नैव बार होगी इसकी, तो ये इसका मतलब ये है कि अभी ये आईडी है नैव बार इसकी। तो हमारा कोड सिंपल है, इफ नबर डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, नबर के स्टाइलिंग में से बैकग्राउंड इजिकल्स टू क्या है, ये कौन सा कलर दिया है हमने देख लेते हैं। हम नबर में जाके यहाँ पे ये वाला कलर है, कंट्रोल सी। तो क्या करो, इस पर पेस्ट किया तो वो क्या करो नबार डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड को चेंज करके कर दो, क्या कर दो ब्लैक, क्योंकि वो डार्क मोड है, हम डार्क मोड ऐड कर रहे हैं ना, ये डार्क नाम की चीज है। एल्स क्या करो नबार डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड वो कर दो ये वाला कलर जो भी है। कंट्रोल सी पेस्ट, तो ये वाला कलर कर दो, मतलब ये डबल मैंने वो डाल दिया इक्वल, वो समझेगा एरर आ जाएगा। से रिफ्रेश किया, अभी चेक करते कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो लग गया करने, काम करने लग गया है ना। अभी हम देख रहे हैं कि ये डार्क मोड में है, फिर भी यहाँ पे डार्क मोड लिखा आ रहा है। एक बार और क्लिक करेंगे, अब तो चलो सही है। तो else में हम जाएंगे, जब if में हम कंडीशन होती है उसमें ये ऐसा दिखा रहा है कि डार्क मोड लिख के आ रहा है यहाँ पे, तो इसकी भी हमें वैल्यू जो है चेंज करनी पड़ेगी। तो बटन डॉट वैल्यू इफ, अगर उसका बैकग्राउंड का कलर वो होगा तो उसका बैकग्राउंड बटन डॉट वैल्यू भी इक्वल्स टू क्या होगी वैल्यू, उसकी वैल्यू होगी उसकी डार्क मोड, डार्क मोड। एल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एल्स में बटन डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होगी वाइट मोड, वाइट मतलब लाइट, लाइट मोड, वाइट मोड लिख गया, डार्क से वो होता है ना उसका, इसलिए मैं गलती से लिख गया लाइट मोड, ठीक है। तो जब हमने इसे लिख दिया तो अब हम रिलोड करके चेक भी कर लेते हैं कि हमारा काम कर रहा है, नहीं कर रहा, कंसोल पे कोई एरर है, है? चेक कर लेते हैं, कंसोल पे नो एरर आ रहा। तो एलिमेंट्स पे जाके चेक करते हैं हम लोग। बाय द वे हम इसे रिस्पॉन्सिव भी आज वाली वीडियो में बना देंगे, पर वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वैसे मैंने दो वीडियोस बहुत लंबी बना दी हैं। इस पर क्लिक करूँगा, इसकी वैल्यू है डार्क मोड है अभी, इसकी वैल्यू डार्क मोड ही रहेगी फिर। अरे
यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी हमें, एंड जो बटन डॉट वैल्यू है वो इज इक्वल्स टू क्या है, डार्क मोड। तो ये एग्जीक्यूट हो नहीं तो ना हो यार, मैं इससे गलती से दूसरे क्रोम पे क्लिक हो जाता है। रिफ्रेश किया, ये ऐसे शो कर रहा है, इस पर क्लिक किया तो इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। दोबारा क्लिक किया, नहीं एग्जीक्यूट हो रहा। इफ उसकी वैल्यू जो है, देखो यार हमने क्या किया, क्लिक कर बटन डॉट वैल्यू, ये हमने यहाँ पे नहीं ऐड करना, यहाँ पे चलने देते हैं इसे। बटन डॉट वैल्यू डार्क मोड कर दो, यहाँ पे चेंज कर दो, यहाँ पे चेंज कर दो, इसे कर दो डार्क मोड और इसे कर दो लाइट मोड, LIGHT लाइट मोड। इसे लाइट मोड करने के बाद रिफ्रेश करेंगे, चेक करेंगे अभी चल रहा है, ये तो चल रहा है, वैल्यू लाइट मोड डार्क मोड भी हो रही है बट ये चेंज नहीं हो रहा है, कौन सा एट्रीब्यूट होता है। वैसे गाइज आप गूगल कर सकते हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो उसे गूगल करके आप देख सकते हो, नहीं तो इजी होता सब कुछ। सॉरी, मैंने वैल्यू लिख दिया गलती से, वो उसका वो करना था मैंने, बटन डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट कंफ्यूज हो जा रहा था उससे कही आती। अभी स्टार्टिंग किया ना तो थोड़ा सा वो हो जाता हूँ नर्वस वीडियो बनाने के टाइम, इसलिए मेरे से घूमने लग जाता हूँ सब कुछ। अभी चेक करते हैं, क्लिक किया लाइट मोड आ गया, क्लिक किया डार्क मोड आ गया, देखा अभी से चलने लगा ना, तो ये डार्क मोड चल रहा है लाइट मोड करने के लिए बोलेगा, डार्क मोड लाइट मोड चल रहा है डार्क करने के लिए बोलेगा। अब हो गया ना सही, है ना चल रहा ना अच्छे से। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ी बहुत VTN को स्टाइल भी कर देंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं, इस ID VTN को हम स्टाइल करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं BTN को स्टाइल करना। BTN को क्या करूँ, उसका पहले तो पैडिंग उसे दो 3 पिक्सल, कलर दो वाइट, फॉन्ट फैमिली दो, कौन सी दो, एरियल देनी है मेरे को, फॉन्ट फैमिली एरियल देनी है, फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट स्टाइल इटालिक। बाय द वे अगर आप के कंप्यूटर में ये सारी फॉन्ट फैमिलीज इंस्टॉल है तभी वो शो करेगा, नहीं तो वो सैंस सेरिफ पे आ जाएगा। इसे लाइन ही, ये लाइन का मतलब पता क्या है, अगर एरियल आपको मिलती है कंप्यूटर में तो एरियल लगा दो, अदरवाइज हेलवेटिका लगा दो, अगर हेलवेटिका भी नहीं मिलती तो सैंस सेरिफ लगा दो, क्योंकि सैंस सेरिफ सिस्टम यूज़ करता है, विंडोज़ यूज़ करती है, मैक भी यूज़ करता है, इसलिए सैंस सेरिफ हर कंप्यूटर में होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सैंस सेरिफ ही होता है। समझ में आया, आई थिंक आ गया होगा, रिफ्रेश हो गया, ये हो गया आउटलाइन, नन बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, बैकग्राउंड ब्लू, चेक करते कैसा लग रहा है। रिफ्रेश किया तो ऐसा लग रहा है, जो कि मेरे को कोई खास जचा तो नहीं है, बट हम जचा देंगे यार, हम यहाँ पे किस लिए आए हैं, 6 पिक्सल। थोड़ा सा पैडिंग बढ़ा देता हूँ, मेरे को पैडिंग अच्छा नहीं लगा था इसलिए,
अब देखिए, अब लग रहा है ना, कुछ तो लग रहा है। ये क्या है, एक साइड पे बॉर्डर आ गया, ये दूसरी साइड पे आया नहीं। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, नहीं तो यार बॉर्डर को ना मैं ब्लू ही करता हूँ, ब्लू। ठीक है, अब थोड़ा और अच्छा लगेगा आई थिंक। तो हाँ थोड़ा ठीक लग रहा है अभी पहले से तो। बॉर्डर रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये क्या बॉर्डर बॉटम लिख रखा है, हैं बॉर्डर बॉटम, ये कहाँ से आ गया? यहाँ पे तो मैंने लिखना था बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। चेक करें कैसा लग रहा है अभी। आई थिंक कि ये अच्छा लगेगा, बट ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, तो इससे हम डिलीट ही कर देंगे इस लाइन को। इंटर मार के एक और स्टाइल लिखेंगे, नहीं लिखेंगे हम जो बॉर्डर रेडियस मैंने दी थी। बॉर्डर रेडियस कहाँ पे है, नहीं दी अभी तक, तो दे देते हैं बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल तक दे देते हैं, बाकी देखते हैं कैसा लग रहा है। रिफ्रेश करेंगे तो ये ऐसा लग रहा है जो कि ठीक लग रहा है। और एक देंगे बॉक्स शेडो, सुना नहीं है? 2 पिक्सल 3 पिक्सल 5 पिक्सल 1 पिक्सल ब्लू। अब आपको समझाऊंगा, 2 मिनट रुकिए मेरे को दिखा दे, नहीं तो ये देखो लग रहा है ना थोड़ा सा। ये जो बटन है, मैंने कहा है पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से अच्छे समझोगे, वहाँ पे इतना अच्छा नहीं समझा सकते थे। यहाँ पे देखो वाई ऑफसेट मैंने दिया है 2 पिक्सल, वाई ऑफसेट समझते हो, इधर को 2 पिक्सल जाना चाहिए, उधर को 3 पिक्सल जाना चाहिए, ब्लर 5 पिक्सल हो जाना चाहिए जो कि ब्लर 5 पिक्सल तक है, स्प्रेड कितना होना चाहिए 1 पिक्सल तक, और बाकी ब्लू कलर है इसका। इनसेट भी वही है, आउटसेट भी वही है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आउटसाइड प्रेफर करते हैं, तो मैं भी वही प्रेफर करता हूँ। देखो अब देखना, लिख के लाइट मोड आ गया। अब इस और थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं मेरा ट्रांजिशन ऐड कर देंगे। भाई आप भी कहोगे कितना अच्छा लग रहा है। ट्रांजिशन ऑल 1 सेकेंड इज इन, चेक करके देखते हैं इज इन कैसा लग रहा है। रिफ्रेश किया, हो गया, क्लिक किया, देखो क्लिक किया, देखो क्लिक किया, देखो अगर हम बटन पे भी ट्रांजिशन ऐड करने की कोशिश करें, बट आई डोंट थिंक कि वो चलेगा। ट्रांजिशन जीरो पॉइंट फाइव 3 सेकेंड्स ऑल 0.5 सेकेंड्स इज इन ही रखते हैं इसे भी, इज इन। अब देखते हैं कैसा लगेगा। क्लिक किया क्लिक किया क्लिक किया क्लिक किया, नहीं वर्क कर रहा है, पूरा डार्क हो गया, पूरा लाइट हो गया, पूरा डार्क हो गया, फिर से पूरा लाइट हो गया। भाई लोग होप करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो क्या करना, आप जाना youtube.com पे चले जाना, इसे बंद कर दिया। ये कोड आपको मैं आज फिर से अपना दे दूंगा ब्लॉग पे, तो मिस मत कर देना भाई लोग, कोड लेके जाना, कोड आपके लिए अच्छा होगा बहुत ज़्यादा, तो मिस मत कर देना आप लोग।
कोड तो लेके ही जाना। कोड तो यार फ्री का कोड मिल रहा, कौन देता फ्री का कोड, मैं फ्री का देता हूँ बिल्कुल फ्री कोड। तो अगर आपको फ्री फ्री कोड चाहिए तो मेरी वेबसाइट से जाके आराम से ले लेना, बिल्कुल फ्री है, एक रुपया भी नहीं लेता मैं अपने कोड का, सच बताऊं तो। आप ये खुल रहा है यूट्यूब, यार बहुत हैवी हो गया है, पता नहीं मेरा ही वो हो रहा है, स्लो हो रहा है इंटरनेट। आई थिंक सो कि मेरा ही इंटरनेट स्लो हो रहा है, तो मैं चेक कर लेता हूँ क्यों हो रहा है ये। तो गाइज मैंने, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लेना, अगर अभी तक नहीं किया है फॉलो तो कर लेना ज़रूर। YouTube पे विदाउट स्पेस लगाए आप कोड एंड मैन सर्च करोगे तो मेरा चैनल सबसे पहले आ जाएगा, स्पेस मत लगा देना ठीक है। उसके बाद उसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, आपका काम ख़त्म। एक और काम कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं, और शेयर इसे उन सभी लोगों के साथ कर देना जो इसके लिए, जिनकी इसे ज़रूरत है, मतलब इसकी जिन्हें ज़रूरत है ठीक है। और मुझे इंस्टाग्राम पे तो फॉलो करना मत ही भूलना यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, मैं उस पे ज़्यादा एक्टिव हूँ यूट्यूब से भी ठीक है ना। और बाकी मेरा एक न्यू ब्लॉग है सोशल फैमिली बाय कोड एंड मैन .blogspot.com, उसे भी आप फॉलो कर लेना। बाकी उस पर हम भी ऐसी वीडियोस डालते रहते हैं, आप सून मैं अपने ब्लॉग पे भी उसका यूआरएल ऐड कर दूंगा सोशल फैमिली करके, तो वहाँ से जाके आप उसे भी फॉलो कर सकते हो ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।